नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है टुडेज के हमारे इस न्यूज कार्यक्रम में। और एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया उच्चतम न्यायालय ने एक बड़ा फरमान सुनाया है। आतंकी कार्रवाई से ज्यादा लोगों की मौत गड्ढों की वजह से हो रही है और यह अस्वीकार है, कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। उच्चतम न्यायालय ने सड़कों पर गड्ढों की वजह से पिछले 5 साल में हुई दुर्घटनाओं में करीब 15,000 लोगों की मौत पर बृहस्पतिवार को चिंता व्यक्त करते हुए इसे अस्वीकार बताया और कहा कि यह संभवतः सीमा पर या आतंकवादियों द्वारा की गई हत्याओं से ज्यादा है। बता दें कि न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर, न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता की पीठ ने कहा कि 2013 से 2017 के बीच सड़कों पर गड्ढों की वजह से मौतों का आंकड़ा यही दिखाता है कि संबंधित प्राधिकारी सड़कों का रखरखाव सही तरीके से नहीं कर रहे हैं। पीठ ने यह कहा कि गड्ढों की वजह से सड़क दुर्घटनाओं में इतनी बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु अस्वीकार है। न्यायालय ने भारत में सड़कों के गड्ढों के कारण होने वाली मौतों के मामले में शीर्ष अदालत के पूर्व न्यायाधीश के एस राधाकृष्णन की अध्यक्षता वाली उच्चतम न्यायालय की सड़क सुरक्षा समिति की रिपोर्ट के अवलोकन किया। रिपोर्ट के अनुसार देश में 2013 से 2017 के दौरान गड्ढों की वजह से हुई सड़क दुर्घटना में तकरीबन 14,926 व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है। इस पीठ ने कहा कि 5 साल में यह लगभग 15,000 है, जो संभवतः सीमा पर या आतंकवादियों द्वारा मारे गए लोगों से अधिक है। पीठ ने केंद्र सरकार को इस मुद्दे पर सभी राज्य सरकारों से परामर्श के बाद समिति की रिपोर्ट का जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। इस मामले में अब जनवरी में आगे सुनवाई होगी। इस मामले में न्याय मित्र की भूमिका निभा रहे अधिवक्ता गौरव अग्रवाल ने कहा कि समिति ने शीर्ष अदालत के निर्देश पर अपनी रिपोर्ट तैयार की है और उसने सभी राज्य सरकारों से परामर्श किया था। पीठ ने कहा कि नगर निगम, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और उनके लिए काम करने वाले संस्थान या राज्यों के सड़क विभाग इस मौतों के लिए जिम्मेदार होंगे, क्योंकि वो सड़कों का ठीक से रखरखाव नहीं कर रहे हैं। पीठ ने यह भी टिप्पणी की कि ऐसे मामलों में पीड़ितों के परिजनों को कोई भी मुआवजा नहीं दिया गया और मृतक के कानूनी वारिसों को प्राधिकारियों की उदासीनता की वजह से इस त्रासदी के साथ ही जीना पड़ रहा है। न्यायालय ने आगे कहा कि इससे पहले गड्ढों की वजह से होने वाली सड़क दुर्घटनाओं में घायल व्यक्तियों के बारे में कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं थे और निश्चित ही ऐसे घायलों की संख्या मृतकों की संख्या से कहीं अधिक होगी। शीर्ष अदालत ने 20 जुलाई को इस तरीके की मौतों पर चिंता व्यक्त करते हुए टिप्पणी की थी, ऐसी दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु के आंकड़े आतंकी हमलों से मारे गए लोगों की संख्या से अधिक है। पीठ ने इस स्थिति को भयावह बताते हुए शीर्ष अदालत की समिति से इस मामले में सड़क सुरक्षा के बारे में गौर करने का अनुरोध किया था। न्यायालय ने कहा था कि यह सर्वाधित है कि इस तरीके के हादसों में बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु होती है और वो प्राधिकारी अपना काम ठीक तरीके से नहीं कर रहे हैं, जिनकी जिम्मेदारी सड़कों का रखरखाव की है। देश में सड़क सुरक्षा के संबंधित एक याचिका पर सुनवाई के दौरान सड़कों पर गड्ढों की वजह से होने वाले मृत्यु और पीड़ितों के मुआवजे पर उठा था यह सवाल। न्यायालय ने इन मुद्दों पर अब विचार आपको बता दें कि न्यायालय इन मुद्दों पर अब भी विचार कर रहा है। दोस्तों, जैसी खबर सामने आई है और अब इस रिपोर्ट के बाद जब सुप्रीम कोर्ट को आगे आकर यह कहना पड़ रहा है, ये बेहद ही चौंकाने वाला और बेहद ही इम्पोर्टेंट मुद्दा में से एक है। उम्मीद करते हैं कि चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, इस चीज़ को इस पर नज़र बनाएं और ऐसी दुर्घटना होने से लोगों की कैसे जानें बचें, ये दुर्घटना कैसे कम किया जाए, इस पर काम किया जाए। हम उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद पूरे देश भर में इस चीज़ों को गंभीरता से लिया जाएगा और अब भविष्य में होने वाली दुर्घटनाओं पर रोक लगाया जाए, उस पर ऐसा काम किया जाए सड़क पे कि सड़क के गड्ढों की वजह से आम आदमी की जान ना जाए। थैंक यू सो मच। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हो तो हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। फिर हाजिर होंगे एक नए समाचार के साथ ब्रेक के बाद। तब तक के लिए धन्यवाद। कीप वॉचिंग टुडेज फॉर मोर न्यूज़।